Hey guys, this is The Flame. Hope you are doing great and the same is with me. I hope also that you all are safe and at your home, at your place, with your family, with your loved ones. Just be safe. It's a huge pandemic that is going on and it's not yet over. You'll have to be positive and stay safe. So, this is my second video on my channel and I'm very nervous. Yes, I'm very, very nervous. So, I'm thinking of narrating a story to you guys, and I should say people. I don't have a very weird habit of saying guys. So, I'm thinking of narrating a short story to you people. अच्छा उससे पहले याद है आप लोगों को जब हम लोग छोटे थे लाइक फाइव स्टैंडर्ड से छोटे तो हमारे इंग्लिश बुक में लिटरेचर बुक में हिंदी बुक में जितने भी स्टोरीज होते थे देन आर मोटिव वॉज जस्ट टू रीड दैट चैप्टर टू मग अप ऑल दी आंसर्स एंड टू गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट ऑल दी आंसर्स उतना ही था हमारे लिए और कोई एजेंडा नहीं होता था लेकिन अब मैं जब देखती हूँ ना उन सब चीज़ों को तो आई फील लाइक डूड वो सारे स्टोरीज तब हमें समझ नहीं आया लेकिन वो हर एक स्टोरी जो हमने पढ़ा बचपन में प्लेड अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ हमें समझ नहीं आया होगा बट इट एक्चुअली प्लेड अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ वी शुड नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दोज शॉर्ट स्टोरीज कभी कभी बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी चीजें हमें सिखा नहीं पाते जितनी छोटी सी चीजें सिखा जाती है ना सो मेरी आज की स्टोरी भी इसी तरह की है एक आदमी था जो कि बिल्कुल काम नहीं करता था मतलब ही हैज नो वर्क टू डू मतलब ही वॉज अनएम्प्लॉयड उसके पास कोई काम नहीं था तो वो क्या करने लगा वो हर दिन एक रोड में जाता था बिना लोगों को परेशान किए उस रोड के कोने में खड़े होके हर दिन एक स्टोरी सुनाता था ही यूज्ड टू नैरेट स्टोरीज एवरी डे ठीक है तो पहले तो उसे कोई नहीं सुनता था ऑब्वियसली कोई क्यों ही सुनेगा एक अननोन को आके है ना तुम बताओ लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया वो हर दिन कहानियां सुनाता था हर दिन वो एक फिक्स टाइम में जाता था उस रोड में कोने में खड़े होकर शांति से कहानियां सुनाता था अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी ऑडियंस बनने लगी लोग उसे पसंद करने लगे लोगों ने उसे सुनना बहुत पसंद आने लगा लोगों को उसकी कहानियां पसंद आने लगी लोगों को उसको सुनना बहुत पसंद आने लगा एज अ पर्सन उसे बहुत पसंद करने लगे लोग तो उसकी ऑडियंस अब तक 200-300 बन चुकी थी विच वाज वेरी वेरी बिग फॉर हिम मतलब पहले जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया था उसने और उसकी ऑडियंस 200-300 हो गई थी तो उसके लिए बहुत मैटर करता था बिकॉज ही वॉज इफेक्ट हिज इच एंड एवरी वर्ड वॉज इफेक्टिंग इच एंड एवरी पर्सन इन दैट क्राउड राइट तो एक दिन क्या हुआ वो फिर से गया एज ऑलवेज जैसे वो जाता था लेकिन उसने कुछ अलग किया उस दिन उसने कोई कहानी नहीं सुनाई इनफैक्ट लोगों को लगा कि अरे इसने कहानियां क्यों नहीं सुनाई और उसने कहानी सुनाता है बट उसके पास उस दिन हाथ में था $20 का नोट यस यू हर्ड मी राइट उसके हाथ में था $20 का नोट तो उसने क्या किया उसने सबसे पूछा कि किसे ये $20 का नोट चाहिए तो वो 200-300 जो उसकी ऑडियंस थी सबने हाथ रेज किया कि हाँ मुझे चाहिए उसने क्या किया फिर उस $20 नोट को ऐसे लिया क्रम्पल में छोड़ दिया पूरा फिर उसने पूछा किसे चाहिए तो सबने कहा मुझे चाहिए फिर उसने क्या किया उस नोट को जमीन पे फेंका और उसमें पूरा गंदा कर दिया नीचे बालू मिट्टी जो थी सब लग गई फिर उसने उठाया उस नोट को जमीन से और पूछा किसे चाहिए नोट तो सबने फिर से कहा कि मुझे चाहिए सो द स्टोरी गिव्स अस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड दैट इज वो नोट जो था लोगों को क्यों चाहिए था चाहे वो गंदा हो जो फटता तो नहीं फटता तो खराब ही हो जाता खत्म ही हो जाता वो पूरा गंदा हो गया था पूरा मचोड़ गया था क्रम्पल था वो पूरा बट स्टिल पीपल वांटेड दैट नोट बिकॉज इट वॉज वर्थी इट वॉज वर्थ ऑफ $20 उसकी कीमत खत्म नहीं हुई थी वो गंदा हुआ था वो खराब हुआ था उसकी कीमत खत्म नहीं हुई थी एंड दैट्स आई वांटेड टू से यू गाइस दैट कभी कभी लाइफ बहुत बुरा करती है आपके साथ आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेंक देंगी आप यू विल फाइंड योर सेल्फ वर्थलेस आप अपने आप को यू विल फाइंड योर सेल्फ वर्थलेस मतलब आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझने लगोगे आप अपने आप की कीमत भूल जाओगे खुद की कीमत भूल जाओगे आप एंड दैट इज वेरी बैड यू शुड नॉट डू दैट लेकिन ये सब सोचने के बाद भी आपके पास कितनी ही प्रॉब्लम आप खुद को जितना ही गंदा समझो जितना ही वर्थलेस समझो आपकी वर्थ कभी खत्म नहीं होगी वर्थ मतलब आपकी कीमत आपकी इंपॉर्टेंस आप अपने आप को जितना ही बुरा समझो कोई आपको जितना ही बुरा समझे आपकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो कि कभी खत्म नहीं होगी एंड दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड दिस इज द कंक्लूजन वी गेट दिस फ्रॉम एंड आई फील यू नो व्हाट ये स्टोरी मैंने कब सुना था रैंडमली आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू माय फोन मतलब गूगल एंड आई फाउंड द स्टोरी एंड उस दिन क्या हुआ था Coincidentally, that day I was feeling very low.
I'm not kidding. I was feeling extremely low. I wasn't wanting to do anything. And the fun fact is, I wasn't wanting to do anything because I wasn't doing anything. मैं कुछ कर नहीं रही थी, इसलिए मुझे कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था. That's why I was feeling very low. तो मुझे ये स्टोरी मिला एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी नाइस एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टोरी. और छोटी छोटी स्टोरी, और उस स्टोरी ने, मैंने सुबह से कुछ नहीं किया था. जैसे मैंने स्टोरी पर आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड जो मेरा काम था, जो मैं पेंडिंग काम से, वो सारे मैंने कर लिए. एंड आई फील कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों से कभी कभार ज़्यादा मैटर कर जाती है और ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. आई नो मैंने बहुत फंबल किया है, बहुत ज़्यादा, बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई नो, एक्सक्यूज मी, दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी नर्वस ऑब्वियसली. Anyways, hope you guys liked it. And if you liked it, do like, comment and share to my channel, guys. Sorry, देखो मैंने कहा था first time में. I'm not used to it. If you guys liked it, do like, comment, share and subscribe to my channel below, guys. Love. And माफ कर देना, थोड़ी गलती हुई होगी तो share it.